मजेदार और अच्छी वीडियो देखने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और लाल वाले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक लड़की की नई नौकरी लग गई। सहेली बोली, ऐसे चल रही है नौकरी वाली लाइफ। लड़की बोली, बड़ी बेकार चल रही है, सारा दिन यस सर करने में और सारी रात बस सर करने में निकल जाती है। एक लड़का शादी के लिए लड़की देखने गया। उसने बहुत देर से सुसु को रोक रखा था। बाद में लड़की से बोला कि सुसु करने की जगह दिखाओ। लड़की शर्माते हुए बोली, पहले आप दिखाओ। सुहाग रात को पति पत्नी को पूरी मेहनत के साथ ठोक रहा था। तभी पत्नी कहती है, अब डाल भी दो जी, कब तक उंगली करते रहोगे। एक बच्चा अपने पापा की शादी में सीडी देख रहा था। बच्चा बोला, हम भी अपनी शादी में ऐसे ही आइटम गर्ल नचवाएंगे। पिता बोला, हरामखोर, ये आइटम गर्ल नहीं है, तेरी बुआ और मौसी है। जज साहब बोले, तुम तलाक क्यों लेना चाहते हो। पति बोला, जी क्योंकि मैं अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं हूँ। पत्नी बोली, जज साहब, सारा मोहल्ला खुश है, बस पता नहीं इन्हें क्या चाहिए। शादी के अगले दिन ही अचानक पति अपनी बीवी को पीटने लगा। लोगों ने पूछा, क्यों मार रहे हो बेचारी को। पति ने बोला, इसने मेरी चाय में तबीज डाला है, मुझे बस में करने के लिए मुझे मेरी माँ से दूर करना चाहती है। बीवी रोते हुए गुस्से में बोली, वो ताबीज नहीं है, की बैग है, गंवार कहीं के। दामाद अपनी सास से बोला, आपकी बेटी मुझे खुश नहीं रखती है। सास बोली, बेटा नसीब नसीब की बात है, यहाँ तो पूरे का पूरा मोहल्ला खुश रहता है उससे। सुहाग रात के बीवी पति से बोली, देखो प्लीज मेरे पास मत आना। पति बोला, परंतु क्यों। पत्नी बोली, मैंने मम्मी से वादा किया था कि शादी के बाद ये सब छोड़ दूंगी। पति बेहोश। दूध की थैली ले लो, दूध की थैली ले लो। लड़की बाहर आती है और शर्मा कर वापस अंदर चली जाती है। माँ बोली, क्या हुआ। लड़की बोली, कमीना बड़ा बेच रहा है। एक लड़का पैंट उतार कर लड़की से बोला, तुम्हारे पास ऐसी तलवार है। लड़की सलवार उतार कर बोली, जिनके पास ऐसी म्यान होती है ना, उनके पास तलवारों की कोई कमी नहीं होती है। गुप्ता जी बोले, क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो। राय साहब बोले, यार बीवी को तो बस बहाना चाहिए लड़ने के लिए। गुप्ता जी बोले, अरे क्या हुआ। राय साहब बोले, इतना सेक्सी मूड था, उसने टॉप और जींस उतारी तो मैंने पूछ लिया कि तूने अपनी बहन की बड़ा क्यों पहनी है, बस लड़ने लगी। आज का ज्ञान, जिस प्रकार मनुष्य संभोग करते समय यौन के ऊपर के बालों को नजरअंदाज करके सिर्फ छेद पर ध्यान देता है, उसी प्रकार दैनिक जीवन में आने वाली परेशानियों को नजरअंदाज करके केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लिंग की तरह बलवान बनो, तभी अंदर तक घुस के आनंद ले सकोगे। गोटियों की तरह लटके रहोगे तो बाहर रह के झटके ही खाने पड़ेंगे। आजकल अच्छी बातें भी ऐसी भाषा में बतानी पड़ती हैं, वरना वीडियो कोई नहीं देखता। संता बोला, आज मेरी भैंस ने अंडा दिया है। बंता बोला, अबे भैंस कब से अंडा देने लगी। संता बोला, ये मेरी स्टाइल है, मैंने अपनी मुर्गी का नाम भैंस रखा है। संता बोला, क्यों बेटा, लड़की पसंद आई तुम्हें। पप्पू बोला, पापा लड़की तो बहुत मोटी है। संता बोला, बेटा घर कितना भी बड़ा हो, दरवाजा छोटा ही होता है। पप्पू प्रवचन सुनने गया और बाबा से सवाल पूछा, बाबा क्या शादी से पहले किसी लड़की के साथ सोना गलत बात है। बाबा बोले, बिल्कुल नहीं, लेकिन कमीनों, उस रात तुम सोते कहाँ हो। शर्मा जी की पार्टी में डिनर करते हुए वर्मा जी के पास मिसेस शर्मा आई और आकर बोली, भाई साहब आपने तो कुछ लिया ही नहीं, और चिकन का एक लेग पीस उठाकर उनकी प्लेट में रख दिया।
पार्टी खत्म होने के बाद शर्मा जी ने वर्मा जी से पूछा, खाना कैसा था, मजा आया? वर्मा जी बोले, बढ़िया था, पर एंड में जो भाभी जी ने टांग उठा के दे दी, मजा आ गया। पप्पू गली में पेशाब कर रहा था, तभी वहां से एक लड़की निकली। पप्पू को पेशाब करता देखकर लड़की वहां रुक गई। पप्पू बोला, डरिए मत, आप जिससे डर रही हैं उसे मैंने पकड़ रखा है। शादी हुई तो खूब मिठाइयाँ बटी, पहला बच्चा हुआ तो भी खूब मिठाइयाँ बटी, दूसरा बच्चा हुआ फिर भी मिठाइयाँ बटी। 5 साल के बाद बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवाने गए, डोनेशन 2 लाख, फीस 1 लाख। आदमी घर आकर खूब रोया, बीवी ने अर्ज किया, जानू मेरी फटी तो खूब मिठाई बटी, उसकी फटी तो रोना आ गया। पिंकी बस में अपने बॉयफ्रेंड के गोद में बैठी थी। पिंकी ने कंडक्टर से कहा, बस धीरे चलाओ, झटके बहुत लगते हैं। कंडक्टर बोला, ओए मैडम, गोदी में से उठकर देख, बस तो कब से खड़ी है। पप्पू अपनी गर्लफ्रेंड के पापा से मिलने गया। पापा बोले, क्या तुम मेरी बेटी को खुश रखोगे? पप्पू बोला, जी अंकल, बिल्कुल खुश रखूंगा। पापा बोले, पर इस बात का मैं कैसे यकीन करूं? पप्पू बोला, अंकल आप अपनी बेटी से पूछ लीजिए कि कल रात वो कितनी खुश थी जब वो मेरे साथ मेरे कमरे में थी।